सीतापुर नाम का एक गांव था, जहां सरस्वती नाम की एक बूढ़ी अम्मा अपने पोते के साथ रहा करती थी, जिसका नाम था बंसी, जो केवल 5 साल का था। बंसी के मम्मी पापा का एक हादसे में मौत हो गई थी। तब से सरस्वती अम्मा ने बंसी की जिम्मेदारी उठा ली थी और गरीबी में दिन काट रही थी। दादी, आज गांव के बाहर मेला लगा हुआ है। सारे गांव के बच्चे उस मेले में जा रहे हैं। मुझे भी उनके साथ जाने दो ना। तुम इतने बड़े मेले में अगर कहीं खो गए तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। बंसी जिद कर ही रहा था कि वहाँ पे उनके पड़ोसी भीमनाथ आ गए। अम्मा, बंसी को मैं लेकर चला जाऊंगा। उस मेले में मिठाइयाँ और खिलौने बहुत अच्छे मिलते हैं। बंसी का ख्याल मैं रखूंगा, अब फिक्र मत कीजिएगा। दादी, अब तो जाने दो, मुझे भी मेला देखना है। अच्छा ठीक है, तुम चले जाओ, ये लो 5 रुपए। सरस्वती ने अपने पास बचे हुए 20 रुपए में से 5 रुपए बंसी को दे दिए और 15 रुपए खुद के पास रख लिए, ताकि कोई दूध वाला या सब्जी वाला घर आए तो खाली हाथ ना जाए। हे ऊपर वाले, मेरे बंसी का ख्याल रखना। त्योहार के दिन भी मैं बंसी को कुछ नहीं दे पाई। बंसी भीमनाथ के साथ मेला देखने चला गया। गांव के सभी बच्चे उस मेले के लिए उत्सुक थे। कोई खिलौने लेने की सोचता तो कोई मिठाई खाने की। बंसी बस उन्हें अपनी शांत नजर से देख रहा था। मेरे पास पूरे 10 रुपए हैं, इससे मैं एक अच्छा खिलौना खरीदूंगा। मेरे पास भी पैसे हैं, मैं भी एक अच्छा सा खिलौना खरीदूंगा और अच्छी अच्छी चीजें खाऊंगा भी। सारे बच्चे भीमनाथ के साथ मेले में पहुंच जाते हैं। बंसी वहां की चकाचौंध देखकर खुश हो जाता है। तब भीमनाथ बंसी से कहते हैं, जाओ बंसी बेटा, जाकर कुछ खिलौने और कोई मिठाई खरीद कर खा लो। चाचा, यहाँ पर लोहे की दुकान कहाँ है? मैं वहाँ से कुछ खरीदना चाहता हूँ। लोहे की दुकान में तुम्हारा क्या काम? वो देखो, वहाँ सामने है। बंसी ने ना आओ देखा ना ताओ, भागते हुए उस लोहे की दुकान में पहुँच गया। ये चिमटा कितने का है? 8 रुपए का। आप मुझे ये चिमटा 5 रुपए में दोगे? इतना कहकर बंसी ने सोचा कि दुकान वाला उसे डांटने लगेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। उस दुकानदार ने चिमटा बंसी को 5 रुपए में ही बेच दिया। बंसी उस चिमटे को लेकर भीमनाथ के पास चला गया। अरे बंसी, तुमने ये चिमटा क्यों लिया? मेरी दादी के हाथ रोटी बनाते वक्त जल जाते थे, इसीलिए मैंने ये चिमटा खरीदा। अब उनके हाथ रोटी बनाते वक्त नहीं जलेंगे। बंसी और भीमनाथ बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर बाकी के बच्चे भी आ गए और वो सभी बंसी के पास चिमटा देखकर हंसने लगे। ये देखो, मैंने मिट्टी का सिपाही लिया। मेरा सिपाही मेरे घर की रखवाली करेगा। मैंने देखो ये वकील ले लिया। मेरा वकील रोज नए नए केस लड़ेगा। बंसी के पास चिमटा है, उस चिमटे से बंसी कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे इस चिमटे के डर से तुम्हारा ये सिपाही और तुम्हारा वकील दोनों तुम दबा कर भाग जाएंगे। तुम दोनों के खिलौने मिट्टी के हैं, जमीन पर गिरते ही टूट जाएंगे। और मेरा ये चिमटा लोहे का है, ये सालों तक नया ही रहेगा। तुम्हारा चिमटा रोज आग से रोएगा। असली जंगबाजी रोज आग से खेलते हैं, मेरा चिमटा उसमें से ही एक है। सारी बहस में बंसी का चिमटा जीत रहा था। भीमनाथ बंसी की समझदारी को देखकर हंस रहा था। बंसी अपनी दादी को जाकर वो चिमटा दे देता है। ये क्या बंसी, तुमने ये चिमटा क्यों लिया? तुम उस मेले में इतनी सारी चीजें खा सकते थे, खिलौने ले सकते थे। दादी माँ, आपका हाथ जल जाता था ना, इसीलिए मैंने ये चिमटा लिया। बंसी की बात सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ गए।
काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं बंसी को सारा सुख दे पाती, उसे अच्छे कपड़े अच्छे खिलौने दे पाती। ऐसे ही कई दिन बीत चुके थे। सरस्वती जैसे तैसे अपना घर चला रही थी। एक रात अचानक तूफान आने लगा, बिजली भी बहुत तेज कड़क रही थी। अचानक बंसी की नजर घर के बाहर पड़ी, जहां उसने देखा कि बौनी परी उसे बुला रही थी। बंसी आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने खिलौना रखा है। बौनी परी की आवाज सुनकर बंसी उस परी के पास चला गया। बाहर बौनी परी एक ठेले के पास खड़ी थी और बंसी से कहने लगी, इस ठेले पर अपनी दादी को बोलना कि कोफ्ता बनाकर बेचे, लौकी का कोफ्ता, पालक का कोफ्ता, पनीर का कोफ्ता। लेकिन आप हैं कौन? आप हमारी मदद क्यों कर रही हैं? तब जाकर बौनी परी ने बंसी को सारे राज बताए। तुम्हारे पापा ने कई साल पहले मेरी मदद की थी। तुम्हारे पापा कोफ्ता बहुत अच्छा बनाया करते थे और गरीबों को खिलाया करते थे। उसमें तुम्हारी अम्मी और दादी दोनों शामिल थी। उनके अच्छे और नेक काम करने के कारण ही मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। इतना कहकर बौनी परी वहाँ से चली गई और बंसी को ढूंढते हुए वहाँ उसकी दादी आ गई। बंसी बेटा, तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? और ये ठेला किसका है? ये यहाँ कहाँ से आ गया? ये हमें एक छोटी सी परी ने दिया है। तब जाकर बंसी ने अपनी दादी को सारे राज बताए। बंसी आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने खिलौना रखा है। इस ठेले पर तुम अपनी दादी को बोलना कि कोफ्ता बनाकर बेचे, लौकी का कोफ्ता, पालक का कोफ्ता, पनीर का कोफ्ता। अब मुझे सारा माजरा समझ आया। जब मैं तुम्हारे पापा और अम्मी के साथ कोफ्ता बेचा करती थी, तब एक बौनी भिखारी वहाँ आकर रोज कोफ्ता खाया करती थी। कहीं वो परी तो नहीं थी? अब से हम हर रोज कोफ्ता बेचेंगे, सिर्फ 10 रुपए में। फिर क्या था, अगले ही दिन से सरस्वती और बंसी ने मिलकर उस गांव में कोफ्ते बेचने चालू कर दिए। लौकी कोफ्ता, पनीर कोफ्ता, पालक कोफ्ता, मंचूरियन कोफ्ता, भिंडी कोफ्ता, मेथी कोफ्ता, आ जाओ आ जाओ, केवल 10 रुपए में। गांव के ढेर सारे लोग उनके यहाँ पर कोफ्ते खाने आने लगे। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, जरा मैं भी खा कर देखूं। मुझे एक प्लेट लौकी के कोफ्ते देना। ये लो। जैसे ही उस आदमी ने कोफ्ते खाए, वो एकदम खुश हो गया। वाह भाई वाह, ये कोफ्ते तो वाकई में बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ पर अपने दोस्तों को भी भेजूंगा और उन सबको बताऊंगा। धीरे धीरे सरस्वती के 10 रुपए के कोफ्ते हर जगह मशहूर हो गए। सभी लोग सरस्वती के ठेले के सामने भीड़ लगाए खड़े रहते और अपनी अपनी बारी का इंतजार करते। उनके घर की स्थिति भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। बंसी भी अब एक अच्छे स्कूल में जाने लगा था। यार, इस बुढ़िया ने आखिर क्या जादू कर दिया है? ये कैसे मुमकिन है? आज से 3 महीने पहले घर में 10 रुपए का चिमटा नहीं था और अब देखो कैसे वो जमीन पर जमीन खरीद रही है। कोई ना कोई राज तो जरूर है। ठीक कहा भीमनाथ भैया, कोई ना कोई राज तो जरूर है। आज रात जब सब सो जाएंगे, तब हम वहां जाकर पता लगाने की कोशिश करेंगे और इस ठेले को खाई से नीचे ढकेल देंगे। इसकी फिक्र मत करो भैया, मैं ये देख लूंगा, उस ठेले की तो कोई खैर नहीं। जैसे ही रात हुई, भीमनाथ का चोर वहाँ ठेले के पास जाकर खड़ा हो गया। ठेले के पास खड़े होते ही वहाँ एक बोनी परी आ गई और कहने लगी, मुझे पता था कोई ना कोई इस गांव का जरूर होगा,
जो ये सब करेगा, जो इस हंसते खेलते परिवार को नजर लगाएगा। बावनी, तुम मेरा क्या करोगी? चली जाओ यहाँ से और मुझे अपना काम करने दो। तुम मेरी बात ऐसे नहीं मानोगे। रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। उस बौनी परी ने अपनी शक्तियों से उस चोर को पंख लगा दिए। जैसे ही उस चोर को पंख लगे, वो उड़कर वहाँ से दूर चला गया। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। उस चोर की आवाज़ सुनकर वहाँ पर सारे लोग जमा हो गए। सरस्वती और बंसी भी वहाँ आ गए। ये सब क्या हो रहा है और कौन हो तुम? इस बौनी से कहिए मुझे नीचे उतारे। मैं अब चोरी कभी नहीं करूँगा। मुझे यह सब भीमनाथ ने कहा था करने के लिए। मैंने कब कहा? ये झूठ बोल रहा है। मैं भला ऐसे क्यों कहूँगा? आज के बाद अगर कोई भी सरस्वती अम्मा और बंसी को परेशान करेगा तो उसका भी यही अंजाम होगा। इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दो। गांव वालों ने भीमनाथ और उस चोर को पुलिस के हवाले कर दिया और अपनी दुकान दोबारा बहुत अच्छे से चलाने लगे। सरस्वती के 10 रुपए के कोफ्ते हर जगह मशहूर थे। मैंने तुम्हारे कोफ्ते के बारे में बहुत सुना है। क्या तुम मुझे पनीर के कोफ्ते खिलाओगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे ही सरस्वती अम्मा ने उस अंग्रेज को पनीर के कोफ्ते खिलाए, उसने अपने वीडियो और ब्लॉग के जरिए उसे इंटरनेट पे डाल दिया। उस वीडियो पर कई सारे लाइक्स और कमेंट्स आ रहे थे। उस वीडियो के जरिए देश विदेश में भी सरस्वती अम्मा के कोफ्ते मशहूर हो गए। बंसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने लगा और सरस्वती अम्मा अपने 10 रुपए के कोफ्ते से बहुत खुश और अच्छा जीवन बिताने लगी और गरीबों की मदद करने लगी। मुकेश एक मुफलिस मजदूर था जो छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। उसके खानदान में उसकी बीवी भूरी और 2 बच्चे थे, निम्मी और बंटी। अब्बा मेरे लिए क्या लाए? अम्मा देखो अब्बा आ गए। बंटी और निम्मी हमेशा दरवाजे पर ही खड़े रहते थे क्योंकि उन्हें इल्म था कि उनके वालिद उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। और मेरे लिए? तुम्हारे लिए राशन लाया हूँ। एक सेठ ने जंगल में जड़ी बूटियाँ तलाशने का काम दिया है। बोल रहा था कि अगर उसे मैं जड़ी बूटियाँ अच्छी लाकर दूंगा तो दिन के मुझे 500 रुपए अदा करेगा। 500? हाँ, इसीलिए तो सुबह से जंगल में जड़ी बूटियाँ तलाश रहा था। आज 500 रुपए मिले तो राशन और चॉकलेट ले आया। अच्छी बात है, आप थक गए होंगे। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय बनाती हूँ। भूरी ने चूल्हे पर चाय चढ़ा दी और वहाँ मुकेश मुंह हाथ धोने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्बा मोहन चाचा आए हैं। मुकेश मोहन से मिलने पहुँचा। अरे आओ आओ, एक नया काम मिला है, जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने का। कल से तुम भी मेरे साथ चलो, सेठ दिन के 500 दे रहा है। वाह भैया, कल से मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। अच्छा, चाय पीकर जाना। तभी भूरी 2 कप चाय ले आई। लो भाई। मोहन और मुकेश साथ में चाय पीने लगे। कुछ देर बाद मोहन चाय पीकर चला गया। क्या जरूरत थी इसको भी काम पर लेने की? सेठ को और अफराध की जरूरत थी तो सोचा इसे ही काम पर लगा दूं। तुम तो अपने भाई से वाकिफ हो ना, कहीं कोई गड़बड़ कर दी तो सारा इल्जाम तुम्हारे सर आ जाएगा। अब जड़ी बूटियों में वो आखिर क्या गड़बड़ कर सकता है भूरी? मेरा काम है तुम्हें आगाह करना, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा भाई तुम जानो। भूरी नहीं चाहती थी कि मुकेश मोहन को अपने साथ काम पर रखे। खैर, अगले रोज मुकेश मोहन को अपने साथ अपने काम पर ले गया। सेठ जी, ये मेरा भाई है मोहन, इसे भी काम की जरूरत है। ठीक है, तुम इसे भी अपने साथ ले जाओ, लेकिन समझा देना कि जंगल में होशियार रहे। जंगल में हुए किसी भी हादसे के लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। जी सेठ जी, जंगल खतरनाक है, इसका इल्म मुझे अच्छे से है। ठीक है, तो तुम भी आज से काम पर लग जाओ।
मुकेश मोहन को अपने साथ जंगल ले आया। मैं इस जानिब जा रहा हूँ, तू उस जानिब जा। ठीक है भैया। दोनों भाई अलग अलग सिमत में गए और जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने लगे। कुछ ही घंटों में दोनों के थैले भर गए और फिर दोनों जंगल से निकल गए। सारी जड़ी बूटियाँ सेठ को देकर दोनों ने सेठ से 500-500 रुपए ले लिए। कुछ रोज तक ये सिलसिला चलता रहा। मुकेश और मोहन सेठ जी को जड़ी बूटियाँ देते गए और पैसे कमाते गए। फिर एक रोज मुकेश जंगल में जड़ी बूटियाँ इकट्ठा कर ही रहा था कि एकाएक एक बड़ा दरख्त तो उसके ऊपर गिर गया। मुकेश की चीख सुनकर मोहन दौड़कर उसके पास आया। उसने वो दरख्त हटाया और मुकेश को फौरन अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मुकेश को किसी भी दवा या इलाज से दुरुस्त नहीं किया जा सकता और वो हमेशा बिस्तर पर ही रहेगा। कुछ रोज तक मुकेश का इलाज अस्पताल में हुआ और फिर उसे घर भेज दिया गया। मुकेश कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था और वो अपने घर का अकेला कमाने वाला था। अब घर कैसे चलेगा, यही फिक्र पूरे खानदान को सताए जा रही थी। कुछ रोज बाद उसका राशन पैसे खत्म होने को आए। अब क्या होगा, गुजारा कैसे होगा? आप इतनी फिक्र ना कीजिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। भूरी ने एक डिब्बे में से कुछ पैसे निकाले। ये पैसे मैंने बचा कर रखे थे, अब इससे कुछ सामान मंगवा लेती हूँ। निमी, तू आधा किलो आलू ले आ। ठीक है अम्मा। निमी बाजार की जानिब निकल गई। बाजार में वो आलू के दाम पूछने लगी। आलू कैसे हैं भाई? 30 रुपया किलो। बाप रे, इतना महंगा। हमें पैसे बचाने हैं, थोड़े सस्ते आलू ले लेती हूँ। निमी ने दूसरी दुकान पर पूछा। 30 रुपये, सब जगह यही दाम है, लेना है तो लो। निम्मी हर सब्जी वाले से दाम पूछने लगी। फिर एकाएक बाजार के कोने में उसे एक ज़ईफ शख्स नजर आया जो आलू फरोख्त कर रहा था। अरे बेटी, आलू ले लो, मेरे अपने खेत के हैं। क्या दाम है? 10 रुपये किलो। बस, सस्ता दाम सुनकर निम्मी ने फौरन 1 किलो आलू खरीद लिया और फिर वो अपने घर की जानिब दौड़ पड़ी। जब निम्मी घर पहुँची, ये लो अम्मा। ये क्या, इतने गंदे आलू ले आई, थोड़ा देख कर नहीं ला सकती थी? माँ, यही सबसे सस्ते थे, बस 10 रुपए किलो थे। मैं 1 किलो ले आई, बाकी सब जगह 30 रुपए किलो था। ठीक है। भूरी ने उन आलुओं को धोया तो सभी आलुओं का रंग बदल गया। कोई आलू लाल तो कोई हरा था। ये कैसे आलू हैं? रंग बिरंगे आलू। माँ, इन रंग बिरंगे आलू के पराठे मिल जाते तो मजा आ जाता। बंटी ने ये बोला ही था कि उसके रूबरू आलू के पराठे हाजिर हो गए। भूरी को अपनी नजरों पर यकीन नहीं हो रहा था। हे भगवान, ये कहाँ से आ गए? क्या मालूम अम्मा, ये तो जादू है। अम्मा देखो, एक आलू गायब हो गया। क्या? रुको, मैं कुछ और मांगती हूँ। काश हमारे पास एक कुत्ता होता। और बोलते ही निम्मी के हाथ में एक कुत्ता आ गया और एक लाल आलू गायब हो गया। मालूम होता है, तुम जो आलू लाई हो वो जादुई है। हम लोग जब भी कोई ख्वाहिश जाहिर करते हैं तो एक आलू गायब हो जाता है। अब आखिरी आलू बचा है, सोच समझ कर मांगना होगा। अम्मा, ढेर सारे पैसे मांगो जिससे अब्बा का इलाज करा सके। नहीं अम्मा, तुम अब्बा को ही दुरुस्त करवा दो। बुरी सोच ही रही थी। उसे अपने शौहर को ठीक कराना था और अपनी जिंदगी की परेशानियाँ भी खत्म करनी थी। कुछ देर सोचने के बाद, मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर अपने पैरों पर खड़े होकर अपने नए बंगले के बाहर हो, जिसके अंदर सारी सहूलियत हो, इतनी दौलत हो कि हमें कभी पैसों की किल्लत ना हो। और फौरन जादू हुआ। वो लोग एक बड़े ही आलीशान घर में थे जहाँ सारी जरूरियात थी और मुकेश अपने पैरों पर खड़ा था। भूरी अपने आंसू रोक ही नहीं पाई। शुक्रिया ऊपर वाले का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भूरी और बच्चे मुकेश के गले लग गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, डॉक्टरों ने तो नामुमकिन ही कह दिया था। भूरी की अकलमंदी से उसकी सारी परेशानियाँ एक साथ हल हो गई। उसके पास एक जादुई आलू बचा था जिससे वो एक ही ख्वाहिश मुकम्मल कर सकती थी।
लेकिन उसने सब कुछ एक साथ मांगकर सारी परेशानियां हल कर दी। रंग बिरंगे जादुई आलू गायब तो हो गए, लेकिन मुकेश के खानदान को खुशियों से भर गए। विनोद बलिया शहर के एक छोटे से कस्बे में अपने खानदान के साथ रहता था। उसमें उसके चार बेटे और बीवी उर्मिला थी। अभय सबसे छोटा और भोला भाला लड़का था। अजी, आप तो अभय के बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी उसी के बारे में सोचता हूँ। तीनों बेटे तो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी जिंदगी की बहुत फिक्र होती है मुझे। हाँ तो कुछ कीजिए, या फिर इसकी कुंडली दिखाकर शादी करा दीजिए, जिससे शायद इसका मुस्तकबिल बन जाए। एक दिन बहुत गुस्से में अभय का बड़ा भाई उसे डांट कर खेतों में ले जाता है और वहाँ मजदूरी करवाता है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। अब्बू, हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे, दिन भर न जाने कहाँ घूमा करते हैं और बीमार पड़ते हैं। बहू, तुम ये क्या कह रही हो? अभय तो अपने भाइयों के कहने पर खेतों में ही काम करता है, तो तुम लोग उसके ख्याल नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा? माँ जी, हम भी जानते हैं कि ये क्या काम करते हैं, इतना ही है तो आप ही ख्याल रखिए। हाँ माँ जी, हमसे तो ये सब नहीं होगा। विनोद घर का ऐसा माहौल देखकर अभय के लिए जल्दी से लड़की ढूंढने लगता है। फिर उसे दूर के कस्बे में गुड़िया नाम की एक लड़की मिलती है, जिसके साथ उसका विवाह तय हो जाता है। अब्बू, आप मुझे इतना दूर क्यों भेज रहे हैं? मेरे बिना आपका ख्याल कौन रखेगा? बेटी, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तेरा एक बड़े और अच्छे खानदान में रिश्ता तय करके आया हूँ। लड़का बहुत ही नेक दिल और मासूम है। ठीक है, जैसा आप चाहें अब्बू। फिर कुछ वक्त बीत जाता है और गुड़िया की शादी अभय के साथ हो जाती है। गुड़िया अच्छे से ससुराल को संभालती है और साल बीतते जाते हैं। फिर घर का माहौल देखकर एक दिन, अजी, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं शुरू करते? आपके भाई आपके साथ बहुत बदतमीजी करते हैं। नहीं गुड़िया, ये मेरे भाइयों की मोहब्बत है, मैं उनसे जुदा होकर काम नहीं करूँगा। मुझे खेती के अलावा और कुछ काम आता ही नहीं है। अभय के इतना बोलने पर गुड़िया चुप हो जाती है। फिर कुछ महीने बीत जाते हैं और गांव में बाढ़ आ जाती है, जिस वजह से उनकी खेती नहीं हो पाती है। फिर तीनों भाई दूसरा काम करने निकल जाते हैं। अब्बू, अभय को कहिए कोई काम करे, नहीं तो हम इन्हें बिठाकर जिंदगी भर नहीं खिला पाएंगे। बहू, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ उसके लिए। अरे दीदी, इनसे क्या कहती हो, ये तो खुद ही बैठकर तीनों बेटों के भरोसे खा रहे हैं, ये क्या बोलेंगे? ये सब सुनकर गुड़िया को बहुत बुरा लगता है और वो कमरे में जाकर बहुत रोती है। फिर अगले ही दिन अपने ससुर से एक बात की इजाजत मांगती है। अब्बू, मैं इनके साथ अपने अब्बू के यहाँ जाना चाहती हूँ, वहाँ पड़े खेत में मेहनत करके हम अपना गुजारा करेंगे। तुम दोनों को जो अच्छा लगे वो करो। अगले ही दिन अभय से बात करके गुड़िया अपने अब्बू के यहाँ चली जाती है और अभय वहाँ खेती करने लगता है। उस खेत की मिट्टी में आलू की उपज बहुत अच्छी होती है। इस खेत में तो आलू की फसल बहुत बेहतरीन होगी। हाँ तो आप उसी की खेती कर दीजिए, मैं भी आपकी मदद कर दूंगी। अभी बाजार में आलू बहुत महंगे हैं। अभय आलू की खेती करता है। 2 महीने बाद आलू की फसल बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन पूरे ही शहर में आलू की फसल बहुत अच्छी होती है, इसलिए बाजार में आलू के भाव बहुत गिर जाते हैं। गुड़िया, ये क्या हो गया? हमारी मेहनत तो बर्बाद हो गई, जो पैसे हमने लगाए लगता है वो भी निकलना नामुमकिन है अब। आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग कुछ सोचते हैं। वहाँ रखे आलू के ढेर में से एक आलू लुढ़क कर गुड़िया के पास जाकर रुक जाता है। गुड़िया उसे देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन फिर उसे फ्राइज बनाने का आइडिया आता है। गुड़िया बहुत सारे आलूओं के फ्राइज बनाती है और अपने अब्बू और अभय को देती है। वो लोग बहुत चाव से खाते हैं और फिर कहते हैं, सच में फ्राइज तो बहुत ही लजीज हैं। उसी शाम गुड़िया बाजार से सब्जी लेने जाती है। वहाँ पर उसे एक ठेले पर आलू के फ्राइज बिकते दिखते हैं, जहाँ अच्छे घरों के लड़के शर्म के मारे नहीं जा पा रहे थे। मैं एक आलू फ्राइज बनाने का छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ,
गुड़िया और अभय कुछ पैसे कर्ज लेकर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल देते हैं और गुड़िया आलू के फ्राइज बनाने लगती है, जहां अब अच्छे अच्छे घरों से लड़के लड़कियां और फैमिलीज भी आने लगती हैं। आपके यहाँ के फ्राइज बहुत टेस्टी हैं। हमें स्ट्रीट साइड के फ्राइज खाने से बहुत डर लगता था। ये सब सुनकर गुड़िया बेहद खुश होती है। कुछ दिन तक वो अकेले ही फ्राइज बनाती है और सारे फ्राइज बिक जाते हैं। फिर फ्राइज की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाने से गुड़िया को अकेले काम करने में परेशानी होने लगती है। तभी, अरे भाई तुम लोग भी इसकी मदद करो कुछ। हाँ जरूर। रात होती है और गुड़िया अपने घर जाकर सो जाती है। गुड़िया को घर के कामों की वजह से रेस्टोरेंट आने में देर हो जाती है। इधर दुकान पर बहुत सारे आलू कट कर रखे हुए थे। जब गुड़िया दुकान आती है तो ये देख कर हैरान रह जाती है। अरे इतने सारे आलू काट कर रखे हुए हैं, लगता है इन्होंने किया होगा, क्योंकि वो जादुई फ्राइज होते हैं, इसलिए वो खुद ब खुद जल्दी जल्दी बनकर प्लेट में भी बैठ जाते हैं। फिर गुड़िया जल्दी से कस्टमर्स को सर्व करती है। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहता है और गुड़िया के जादुई फ्राइज शहर में बहुत मशहूर हो जाते हैं, जिससे पूरे शहर में जगह जगह ब्रांच खुल जाते हैं। शहर में बहुत जगह ब्रांच होने से गुड़िया और अभय मिलकर बिजनेस संभालते हैं और वो शहर के लोगों को भी रोजगार पर रख लेते हैं। अब अभय के भाई भी अपनी गलती पर अफसोस करते हैं। वो उनके पास मुआफी मांगने आते हैं। अभय उन्हें भी काम पर लगा देता है। कस्टमर्स को कभी भी फ्राइज की कमी होती तो वो उड़कर कस्टमर्स के पास पहुंच जाते और कस्टमर्स को ये बात पता भी नहीं चलती थी। गुड़िया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। ये तो आपकी मेहनत है।